ओके सो इट्स टाइम फॉर अनदर स्पिन। यार बारिश आ गई और इस टाइम अपने पास इतनी बड़ी गाड़ी अकेले के लिए है। वैसे आज के ट्रैवल के लिए अपने को ज्यादा कुछ लेके जाना नहीं है साथ में, जस्ट दिस बॉटल ऑफ सैनिटाइजर, मास्क और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इधर है। फाइनली अपने को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस ने ई पास दे दिया है ट्रैवल करने के लिए। अभी ई पास के बारे में और बातें होंगी, बताऊंगा सारे डिटेल्स, ये क्यों दिया है, किस लिए दिया है, मैंने क्या रीजन डाला था, एवरीथिंग आई विल टेल यू। लेकिन पहले निकलते हैं, रास्ते में बातें करेंगे। करजत सिटी का जो एंट्री पॉइंट है वहां पे तो चेकिंग थी, 10-12 पुलिस खड़े थे, हर एक गाड़ी को रोक के चेक कर रहे थे। बट अगर आप सिटी में जा रहे हो तो, अगर आप बाहर की तरफ जा रहे हो तो आपकी मर्जी, यू आर फ्री ऑन योर ओन। एनीवेज वी आर आउट फ्रॉम करजत। आई एक्चुअली वांट टू थैंक द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, क्योंकि मुझे इस ई पास के लिए बिल्कुल भी कुछ जुगाड़ नहीं करना पड़ा, ना कोई झूठ बोलना पड़ा। जो सही रीजन है वही मैंने लिखा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके आना है जो मेरे काम के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड दे अप्रूव्ड इट। बस दैट्स इट, इट वाज सिंपल एज दैट। सो बिग थैंक्स टू रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। और इसी बात के साथ सामने से धुआंधार बारिश आ रही है, और इसी बात के साथ मुझे याद आ रहा है कि मैंने अभी तक आपको ब्लॉग में वेलकम नहीं किया है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल, यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। और ये ब्लॉग ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि फाइनली जैसा पिछले ब्लॉग में बताया था वो बात अभी सच होने जा रही है, आज अपना ड्रोन अपने हाथ में आने वाला है। सो आई होप यू आर एज एक्साइटेड एज आई एम। प्रियंका तो इतनी एक्साइटेड है, उसने बोला है कि जाते वक्त एक डेरिमिट लेके जाओ बहन के लिए जो लेके आई है अपना ड्रोन। सो आई एम गोना परचेज दैट टू। यू नो ट्रैवलिंग हैज बिकम सच अ रेयर थिंग नाउ डेज। मैं लास्ट मंथ आई थिंक 14th या 15th को कुछ, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, बट एक महीना पहले मैं कार सर्विसिंग के लिए लेके गया था, उसके बाद आज कार में बैठा हूँ मैं। आई मीन एक महीने तक कार को हाथ नहीं लगाया, जस्ट इमेजिन। क्रेजी यार, मतलब कुछ महीने पहले तक तो ऐसी लाइफ सोच भी नहीं सकते थे। ओके सो फर्स्ट टोल प्लाजा शिडुंग। फास्टैग का आज की तारीख में ये फायदा हुआ है, एक ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाता है ना, मुझे उनको नोट वगैरह देने पड़ते हैं ना उनसे कुछ चेंज वापस लेना पड़ता है। आई मीन इट्स सेफर फॉर बोथ ऑफ अस। डिजिटल इंडिया कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये फायदा हुआ। पता नहीं यार, फास्टैग कंपलसरी करने से पहले अपने पीएम साहब को मालूम था क्या कोविड आने वाला है। एंड हियर कम्स द एक्सप्रेसवे। चलो इंस्टाग्राम के लिए एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी बनाई जाए। बाय द वे फॉलो कर रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो कि ब्लॉग हर हफ्ते में आता है। इंस्टाग्राम पे अपना टाइम पास चालू रहता है एकदम रियल टाइम में। यू नो व्हाट आई स्टार्टेड टू फील लाइक, ये सब लॉकडाउन और ये ई पास और रिस्ट्रिक्शन, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक टैंट्रम थ्रोन बाय द गवर्नमेंट। आई नो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट इमेजिन, मैं अभी थाने में पहुंच चुका हूँ। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से नवी मुंबई में आया, नवी मुंबई में से थाने डिस्ट्रिक्ट में आया, उसमें भी टीएमसी में एंटर किया, अभी टीएमसी में से मैं भिवंडी में जाऊंगा, कालेर जाना है मुझे। सो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स क्रॉस करने में, मैंने आपको जो ब्लॉग में दिखाया था ना कि मेरे पास ई पास है, उसके अलावा अभी तक मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, ना किसी ने रोका ना किसी ने पूछा। एंड आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ संडे इन अ मॉनसून, जब सबसे ज्यादा रिस्क है कि लोग घूमने के लिए बाहर निकलेंगे। Despite of all this, कोई भी कहीं पे भी चेक नहीं कर रहा, तो फिर बना के क्यों रुके रूल्स, क्यों सबको घर में बिठा के रखा है। कालेर में पहुंच चुके हैं और अपनी होम मिनिस्ट्री से जो ऑर्डर आया था प्रियंका से, उसके हिसाब से हमने ये सिल्क ले लिया है नेहा के लिए। एंड वी आर जस्ट 500 मीटर्स अवे फ्रॉम हर होम। सो काउंटिंग किलोमीटर्स और ड्रोन के बीच में सिर्फ आधे किलोमीटर का फासला है। 2 hours later. अभी थाने में आओ और अपने भाई लोगों से मिले नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो
ड्रोन हाथ में आने के बाद ड्रोन की पहली पार्टी यहाँ पे चालू हो चुकी है। पहचानो इन दोनों को, ये दो छुपे हुए चेहरे। कौन है हम? असा हाथ लावायचा नसतो आता जो डोळ्यात व्हायरस गेला असेल तर। आय एम व्हायरस फ्री। अरे तुझा हात ओपन फ्री असं कसं, कशावरून? अँटी कोरोना व्हायरस आहे याला घेऊन घासाच। चीयर्स गाईज। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। काय हे चोको चिप्स आणि रॉयल फालुदा? आणि मी काय घेतलं मी विसरलो, हा डेथ बाय चॉकलेट, लेकिन आय एम नॉट गोइंग टू डाय बट आय एम गोइंग टू एन्जॉय। बाद में मिलते। थैंक यू क्रीम चिल्स। अभी व्हाट नेक्स्ट? अगला प्लान घर, प्यारा प्यारा घर। चलो कर्जत आ रहे हो? यस लेट्स गो। चल सीधा कर्जत। पास काढ, माझ्याकडे आहे घरी जायचा पास, तुम्ही काढा कर्जतला येण्याचा पास। अरे माझा पास कोणी विचारला नाहीये यार, एखाद्या पोलिसाला काही ओळखीचा असेल तर सांगा फोन करून, कोणीतरी आडवा यायला आणि पास मागा। हो मी काढलंय। हा ना, कल शाम को थाने से निकलने के बाद इतना प्यारा माहौल बन गया था ना ऑन द वे, मतलब बादल थे लेकिन बारिश नहीं थी, बादलों के पीछे से सूरज भैया हाइड एंड सीक खेल रहे थे शाम को। सो आई वॉज इन अ स्टेट कि यार मुझे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था मैं, आई वॉन्टेड टू फ्लाई द ड्रोन बट देन आई वॉन्टेड टू कम होम शो इट टू पेरेंट्स, और फर्स्ट फ्लाइट में प्रियंका भी साथ में हो ऐसा मुझे पहले से लग रहा था। फिर इसका अनबॉक्सिंग और उसमें बॉक्स में क्या क्या है वो सब एक्साइटमेंट आपके साथ शेयर भी करना था, तो सब शूट भी करना था। सो द वे आउट आई फाउंड इज उसको पीछे की सीट पे रख दिया बॉक्स को, और जो गाड़ी चालू की सीधा घर पे आके रुक गया, बीच में रुका ही नहीं गई। बट एनी वेज नाउ एज इट टर्न्स आउट मैं कल उसको फ्लाई कर भी नहीं पाता क्योंकि उसकी सारी बैटरीज पूरे 0% पे थे, तीनों बैटरीज, रिमोट कंट्रोलर का बैटरी भी 0% पे था। सो कल रात को अनबॉक्स करने के बाद उसको सब चार्ज करना पड़ा, चार्ज करने के बाद जब बैटरी डाली ड्रोन में तो उसका फर्मवेयर अपग्रेड करना पड़ा, रिमोट कंट्रोलर का फर्मवेयर अपग्रेड करना पड़ा, और ये सब चीज़ें होने के बाद, सारे नखरे उसके पूरे होने के बाद, नाउ वी आर रेडी टू फ्लाई। सो नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर प्रियंका टू कम आउट, लेट्स गो आउट अप देयर ऑन द टेरेस एंड फ्लाई। Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Oh, this is so exciting. और इस तरह से काउंटिंग किलोमीटर्स की कहानी का और एक नया पन्ना खुल चुका है। अब ये ड्रोन उड़ाना सीखने में थोड़ा टाइम तो जाएगा, लेकिन मेहनत की एक एक सीढ़ी चढ़ के जब हम ऊंचाई पे पहुंचते हैं ना, तो ऊपर से नजारे कुछ ऐसे दिखते हैं। अगले वीडियो में अपने घर की और अपने एरिया की ऊंचाई से सफर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।